मेरे पास, तुम मेरे पास, तुम मेरे पास मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे पास मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे पास मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे पास मोहब्बत को तरस जाओगे। तब जो जाऊंगा अपनी कमेटी के नौजवान दोस्तों से और तमाम जो भी गजल के शायकीन हैं, तुम मेरे पास मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे पास मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे पास मोहब्बत को तरस जाओगे। कहना है कि किया प्यार हमने जिसे जिंदगी में, अरे उसी ने दगा दी हमें दोस्ती में, किया प्यार हमने जिसे जिंदगी में, उसी ने दगा दी हमें दोस्ती में, लेकिन निगाहें चुरा करके ओ जाने वाले, निगाहें चुरा करके ओ जाने वाले, मुझे मार डाला तेरी बेरुखी ने, अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे, पप्पू भाई और हमारे कई कमेटी के तमाम सामाजिक की जानिब से बताया गया कि 5-6 लोग हैं कमेटी में, लेकिन बाकी सब लोगों की मदद से यह प्रोग्राम कराया गया। मैं शुक्रगुजार हूं कमेटी का और तमाम सामाजिक का, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला बार लेकिन बहुत अच्छा शेर, मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, मिल भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, मिल भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, आज मौसम की तरह दोस्त बदल जाते हैं। कहना है कि मिल भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, आज मौसम की तरह दोस्त बदल जाते हैं, उम्र भर जिनकी वफाओं पे भरोसा कीजिए, वक्त पड़ने पे वही लोग बदल जाते हैं। क्योंकि दर्दे दिल की दवा नहीं मिलती, दर्दे दिल की दवा नहीं मिलती, चाहने से वफा नहीं मिलती, दर्दे दिल की दवा नहीं मिलती, चाहने से वफा नहीं मिलती, अरे बेगुनाह लोग मारे जाते हैं लेकिन कातिलों को सजा नहीं मिलती। मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, घर के हालात ये कहते हैं कि परदेश को जा, घर के हालात ये कहते हैं कि परदेश को जा, लेकिन जाके परदेश में घर याद बहुत आता है, क्योंकि घरों में छुप के ना बैठो के रुत सुहानी है, चले भी आओ के बारिश का पहला पानी है, घरों में छुप के ना बैठो के रुत सुहानी है, चले भी आओ के बारिश का पहला पानी है, जहां पे सिर्फ मोहब्बत के फूल खिलते हैं, मेरी गजल भी उसी गांव की कहानी है। मैं
जाओगे छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा उम्र भर तुम मेरी सूरत को तरस जाओ। समा फरमाए ये गजल ऐसी है कि इसमें कुछ नसीहत भरे भी शेर है, मियारी गजल जिसको बोलते हैं। पेश कर रहा हूं हमारे बच्चे नौजवान बुजुर्ग माँ बहने सभी सुने ये शेर जो पेश कर रहा हूं। माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। चंद्रशेर पेश कर रहा हूं, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो क्यों। राहजन राह का हर एक शजर लगता है, कितना दुश्वार अकेले में सफर लगता है, मैं जो हर राह से बेखौफ गुजर जाता हूँ ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। लेकिन सारे तो नहीं लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं कि जो अपने माँ बाप का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। ये चार मिसरे पेश कर रहा हूं कि अपने लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सारे तो नहीं लेकिन कुछ हैं। सारे तो नहीं लेकिन कुछ लोग हैं। आपके लड़के बीबियों के जाल में रहने लगे, छोड़ के माँ बाप को ससुराल में रहने लगे। आपके लड़के बीबियों के जाल में रहने लगे, छोड़कर माँ बाप को ससुराल में रहने लगे। मुफलिसी की धूप में थे घर के छप्पर ही अजीज, जब मिल गई दौलत तो नैनीताल में रहने लगे। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों के बनाए साहिबा को छोड़ मत देना, नई खुशियों के पीछे गुलसिता को छोड़ मत देना। कहीं ऐसा ना हो हाथों से जन्नत ही चली जाए, कहीं ऐसा ना हो हाथों से जन्नत ही चली जाए। बहू और सास के झगड़े में मां को छोड़ मत देना। दुनिया की दौलत मिल सकती है लेकिन माँ बाप एक ऐसी दौलत है जो दोबारा से नहीं मिलते। जिनके माँ बाप जिंदा हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अपने माँ बाप की खिदमत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, क्योंकि माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है और जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है। बस एक माँ की
मोहब्बत दिखाई देती है, जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद। खुश नसीब है जो अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं अपनी बीवी की सब फरमाइशें। अगर बीवी कहती है फला चीज लाओ तो एक के बजाय दो तैयार है, और अगर मां किसी चीज को कहे तो कहते हैं कि ध्यान नहीं रहा या बहुत सारे बहाने बना देता है इंसान। तो लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद। खुश नसीब है कि अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं अपनी बीवी की सब फरमाइशें। और एक बूढ़ी माँ का चश्मा नहीं बनवा सके तो वो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा, अरे बेटा, अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बच्चे, मगर चश्मा लगा कर तेरी सूरत देख सकती थी। दोस्तों, माँ माँ क्या है सभी जानते हैं। मैं सूरज की तरह हर रोज तपता और जलता हूं, सफर पे रोजी रोटी के लिए जिस वक्त चलता हूं, कोई तूफान तेरे में ना ले ले इसलिए वाहिद, मैं अपनी माँ का चेहरा देखकर घर से निकलता हूं। कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर जरा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मारा कहते हैं किसको और ये क्या चीज है, ये तो उन बच्चों से पूछो जिनकी मर जाती है माँ। माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, जन्नत को तरस जाओगे। माँ का दिल टूटा तो जन्नत को तरस जाओगे। माँ का दिल टूटा तो जन्नत को तरस जाओगे। माँ का दिल टूटा तो जन्नत को तरस जाओगे। माँ का दिल टूटा तो जन्नत को तरस जाओगे। जन्नत को तरस जाओगे। और ये भी नसीहत भरा शेर, मस्जिदें अपनी नमाजों से मुनव्वर कर लो, अपनी नमाज़ों से मुनव्वर कर लो,
वरना अल्लाह की, वरना अल्लाह की, वरना अल्लाह की रहमत को तरस जाओगे, वरना अल्लाह की रहमत को तरस जाओगे, वरना अल्लाह की रहमत को तरस जाओगे, वरना अल्लाह की रहमत को तरस जाओगे। हजरत इस गजल के बाद जो हमारा कैसेट में भी ये गजल है, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, उसके मैं शेर पेश कर रहा हूँ। हमारे गुड्डू भाई जो 1200 वाले हैं उनकी भी शुरू से फरमाइश थी, 3 शेर हैं वो मैं पेश करूंगा कुछ अशार लगाते हुए। समा फरमाएं, ये आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, तमाम सामाइन से तवज्जो चाहूंगा। अजनबी शहर है चाहत को तरस जाओगे,